अयोध्या के संत ने किया ऐसा प्रण, काशी के मुसलमान हो गए हैरान। महादेव की काशी के लिए संत का प्रण, अब भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या के संत वाराणसी के लिए निकले हैं। भगवान शिव की नगरी वाराणसी में अब वो क्या करने वाले हैं? भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना को लेकर उन्होंने ऐसा क्या कहा, क्या है ये पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य हमेशा अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार वो वाराणसी गए हैं। उनका कहना है कि अयोध्या का विवाद खत्म हो चुका है, अब बनारस का विवाद खत्म करने के लिए कूच कर रहा हूं। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने क्या क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। खास मकसद है, अयोध्या का विवाद खत्म हुआ और बनारस का विवाद खत्म करने के लिए मैं कूच कर रहा हूं, और उसमें से कुछ याचिकाकर्ता भी हमारे साथ में हैं, और भगवान आदि विश्वेश्वर का भी पूजन अर्चना बहुत जल्दी शुरू होगा, इसी संदर्भ में हम लोग जो है बनारस जा रहे हैं। परमहंस आचार्य इससे पहले भी अपने बयान को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। शाहरुख खान को जिंदा जलाने की टिप्पणी हो या सनातन पर टिप्पणी करने वाले उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करने जैसे विवादित बयान उन्होंने इससे पहले भी दिए हैं। इतना ही नहीं, परमहंस आचार्य ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अपनी मांग को लेकर आत्मदाह का प्रयास भी किया था। इसके लिए परमहंस ने तपस्वी छावनी में अपनी चिता भी सजा ली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनको कमरे में ही नजरबंद कर दिया गया था। इसके बाद परमहंस ने जल समाधि का ऐलान कर दिया, लेकिन पुलिस ने फिर उन्हें नजरबंद कर दिया था। अपने ऐसा ऐलानों के बाद परमहंस मीडिया की सुर्खियों में बन रहे थे, लेकिन इस बार वो वाराणसी जा रहे हैं। साथ ही वो हिंदू राष्ट्र के भी काफी समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में उनका बनारस जाना कई सवाल पैदा करता है। परमहंस आचार्य के साथ कई और लोग भी काशी में पहुंचे हैं। ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी, यूपी।